हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट हर्ष वर्मा रवि में। आज का हमारा टॉपिक है ईडीडी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ईडीडी हमारी एक सब्जेक्ट है, इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की आज हम बात करेंगे। ये सब्जेक्ट हमारी बीटी यूपी पॉलिटेक्निक है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, फोर्थ सेमेस्टर में यह सब्जेक्ट है। ये जो क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो आप लोग पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखें और एक एक क्वेश्चन आप लोग नोट भी कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हम यह कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले हम बात करेंगे ईडीडी। जो ईडीडी हमारा सब्जेक्ट का नाम है, तो ईडीडी ई का फुल फॉर्म क्या है? तो ईडीडी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट। ठीक है, तो हम इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे। देखिए, हम लोग पीडीएफ पे चलते हैं। हमारे पास एक पीडीएफ है एमसीक्यूज़ का, हमने इसे ओपन कर लिया है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। या पीडीएफ हम ही ने बनाया है, अपनी लैंग्वेज में लिखा, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं उसी लैंग्वेज में है। ये देखिए हमारे चैनल का, इस पर वाटर मार्क भी लगा हुआ है, स्टडी पॉइंट हर्ष वर्मा रवि। ठीक है, तो हम बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन डिस्कस करना। देखिए, पहला जैसे हमारा यहाँ पे दिया है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। 1 हॉर्स पावर में हमारे 746 वाट हैं। जैसे इसमें देखिए 1 के पहले एक और 1 लिखा है, तो आपको 11 लग रहा होगा, तो 11 नहीं 1 है। इसमें कहीं कहीं पे मिस टाइपिंग भी हो गई है जल्दी में, तो आप उसे इग्नोर करिए और जो चीज़ हम बोल रहे हैं आप उसे ध्यान रखिए, और जो इसमें लिखा है वो भी आप देख लीजिए, कहीं पर आपको मिस टाइपिंग मिलेगी, वो अंडरस्टूड चीज़ें हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर सेकेंड पॉइंट हमारा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, घरों की वायरिंग पैरेलल में करते हैं। तो जैसे आपको एमसीक्यू मिलता है कि घरों की वायरिंग हम कैसे करते हैं, डोमेस्टिक वायरिंग पैरेलल में, सीरीज में, है ना, ऑप्शन होगा, तो आपको पैरेलल लगाना है। अब बात आती है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, है ना, DOL लिखा है, तो यह डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर 1 से 5 हॉर्स पावर की मोटर के लिए यूज किया जाता है। जो 1 से 5 हॉर्स पावर तक के मोटर हैं उनके लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है वो 5 से 30 हॉर्स पावर की मोटर तक के लिए यूज़ किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर 20 हॉर्स पावर के ऊपर जो मोटर होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोड को ज़मीन में वर्टिकली रखा जाता है। जो हमारा अर्थिंग इलेक्ट्रोड होता है, जब ज़मीन में उसे रखते हैं तो उसे वर्टिकली रखते हैं। अर्थिंग इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर है वो 38 mm से कम नहीं होना चाहिए। और चारकोल और साल्ट यूज करते हैं इसके वेट क्ले के लिए, उसको चारकोल और साल्ट यूज करते हैं ताकि हमारी अर्थिंग सही रहे, वहाँ पे क्ले वेट रहे हमारी, है ना। अब देखिए, डोमेस्टिक वायरिंग में सभी 3 प्लग को, हमारा थर्ड प्लग होता है जो अर्थिंग प्लग होता है ना, तो सभी 3 प्लग को क्या होता है, 8 SWG या 14 SWG के, है ना, जो 8 SWG और 14 SWG का वायर होता है उसके साथ हम लोग ग्राउंड में कनेक्ट करते हैं। 8 SWG जैसे हमारा नॉर्मल हो गया डोमेस्टिक यूज के लिए, 14 SWG का वहाँ यूज करते हैं, जैसे कि हमारे जहाँ पे पावर सॉकेट लगा होता है या इंडस्ट्री वगैरह जहाँ पे लोड हैवी होता है। डोमेस्टिक वायरिंग में फैन एंड सर्किट पर 800 वाट या 10 पॉइंट से अधिक का लोड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, जो हमारा पावर सर्किट होता है ना, तो पावर सर्किट जो है हमारा उसमें 3000 वाट या 2 पॉइंट से अधिक का लोड नहीं दिया जा सकता है। पावर सर्किट में जैसे हम लोग कूलर लगाते हैं अपनी, है ना, ग्राइंडर लगाते हैं, जूस वाली मशीन जैसे हमारी हो गई, और जो डोमेस्टिक वायरिंग इसके अंदर से हमारा फ़ैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, LED हो गया, मोबाइल चार्जिंग, ये सब इनकी बात आती है। अब 15 एम्पियर का जो सॉकेट होता है हमारा, तो इसको फर्श से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है, तो 15 एम्पियर के सॉकेट को फर्श से 0.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। स्विच बोर्ड की ऊंचाई हमारी फर्श से होती है 1.5 मीटर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की ऊंचाई होती है 1.75 मीटर, और जो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है जिसे हमारा हर जगह सप्लाई जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो फर्श से 2 मीटर ऊपर लगाते हैं। फिर से हमारा लिखा है 1 हॉर्स पावर = 746 वाट, जो कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं। पहला ही पॉइंट, इंडक्शन मोटर में 3 फेज सप्लाई की नीड होती है। फ्यूज जो है हमारा किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फ्यूज हमारा हीटिंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फ्यूज मटेरियल हमारा जनरली किस चीज़ का बना होता है, टिन प्लस लेड का बना होता है। फ्यूज कनेक्ट इन सीरीज ऑलवेज, है ना, फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है HRC फ्यूज को, है ना, और हम क्या कहते हैं HRC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फुल फॉर्म होता है। 66 kV 1000 वोल्ट तक यूज किया जाता है। आपको हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है 1-way switch cost। 1-way जो स्विच होता है उसके कॉस्ट कितना है, कितने रुपए में हमें मिलता है, तो लगभग हमें 18-20 रुपए से लेके 25 रुपए के बीच मिल जाता है।
तो इसमें जैसे कि हमने इसमें 23 लिख के रखा है, आपको 20 ऑप्शन मिलेगा, तो 20 के आसपास जो आपको मिलेगा आपको वही लगाना है। ऐसा नहीं कि ₹50 लिखा तो 50 लगा दिया, 100 लगा दिया वन वे स्विच के लिए। अब बात आती है पिन इंसुलेटर की, तो पिन टाइप इंसुलेटर को जनरली 11 kV में यूज़ किया जाता है, मैक्सिमम 25 kV या 33 kV तक के लिए भी यूज किया जा सकता है। इंसुलेटर हमारा किस चीज़ का बना होता है, तो हमारा इंसुलेटर हमारा चाइना क्ले या पोर्सलिन का बना होता है। डिस्क टाइप इंसुलेटर में एक डिस्क की डिज़ाइन जो है 11 kV रेटिंग के लिए की जाती है। जैसे कि हमारी 33 kV की लाइन जा रही है तो उसमें हम 3 डिस्क लगाएंगे, क्योंकि एक डिस्क हमारी 11 kV की है तो 3 डिस्क हमारी 33 kV की हो जाएंगी। अब जो हम लोग कंड्यूट पाइप में क्लिप लगाते हैं, जैसे कि हमने एक कंड्यूट पाइप लिया वायरिंग की, तो उसमें क्लिप लगाते हैं हम लोग, देखते हैं ना कंड्यूट पाइप रोकने के लिए, तो उसकी जो दूरी होनी चाहिए वो 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए अप्रॉक्स। अब लो वोल्टेज लाइन में देखिए स्पैन कितना होता है, लो वोल्टेज लाइन में स्पैन हमारा होता है 80 मीटर का, ठीक है। लो वोल्टेज लाइन में हमारा स्पैन 80 मीटर का होता है। मीडियम वोल्टेज लाइन में हमारा स्पैन 80 से 160 मीटर होता है। हाई टेंशन लाइन में स्पैन हमारा 160 मीटर से ज़्यादा होता है। और हमारी कौन कौन सी लाइन होती हैं, एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन होती है, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन होती है, एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन लाइन होती हैं, ठीक है। आप लोग ये चीज़ नोट करते जाएं। अब बात आती है सर्विस मेंस की डिज़ाइन कैसे की जाती है, तो सर्विस मेंस की डिज़ाइन है कंज्यूमर लोड के आधार पर की जाती है। सर्विस मेंस की डिज़ाइन कंज्यूमर लोड के आधार पर की जाती है। अब SWG जैसे कि वायर की बात हुई थी, आप लोग यहाँ पे देखेंगे SWG की कहाँ पे बात हुई थी, 814, ये देखिए पॉइंट नंबर 8 में बात हुई डोमेस्टिक वायरिंग में सभी 3 प्लग को 8 SWG या 14 SWG। तो SWG का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, है ना। और ACC का फुल फॉर्म देखिए आप के सामने लिखा हुआ है, ACC का फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कोर कंडक्टर। और फिर आगे अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ECSR का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, है ना। अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर की डिज़ाइन है ना, डिस्ट्रीब्यूटर की जो डिज़ाइन है वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर की जाती है। फीडर की डिज़ाइन करंट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर की जाती है। सर्किट ब्रेकर एक स्विचिंग डिवाइस है। सिंगल फेज में सप्लाई यहाँ पे 220 लिखा है, तो 220 नहीं बल्कि 230 वोल्ट होता है, प्लस माइनस 10 वोल्ट का यहाँ पे वेरिएशन रहता है। थ्री फेज सप्लाई में वोल्टेज 440 वोल्ट रहेगा, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जो अपने इंडिया की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है। रिले एक सेंसिंग डिवाइस है, इसमें लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं रिले स्विचिंग डिवाइस है या सेंसिंग डिवाइस है, तो हमें ध्यान रखना कि रिले एक सेंसिंग डिवाइस है। और फिर इसके बाद कहते हैं सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर। सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर, व्हाट इज़ द पावर फैक्टर ऑफ सिंगल फेज मोटर एट नो लोड कंडीशन, 0.2 लैगिंग। हमेशा हम लैगिंग में इसे लिखेंगे, जब कोई लोड नहीं होगा तो सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर 0.2 लैगिंग होगी, और जब लोड होगा एट लोड कंडीशन 0.6 लैगिंग होगा। यूनिट ऑफ पावर वाट होती है, मेजर किया जाता है वाट मीटर से। एनर्जी की यूनिट जूल होती है, मेजर किया जाता है एनर्जी मीटर से। पावर फैक्टर हमारा यूनिट लेस होता है। अब जो हमारी ड्राइंग चार्ट होती है जिसमें हमें सिंबल्स वगैरह बनाने होते हैं सब्जेक्ट में, वो हमारी BIS के आधार पर डिज़ाइन की जाती है। और BIS का फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जो इसका साइज होता है 185 mm इसकी लेंथ होती है, 65 mm विथ होती है। अब देखिए आपको चार्जेस की हम लोग बात करते हैं, जैसे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में कुछ चार्ज लगते हैं, तो कंटिनजेंसी चार्ज जो हमारा जनरली 5% लगता है। सुपरविजन चार्ज हमारा जनरली 10% लगता है। ओवरहेड चार्ज जनरली 10% लगता है। अर्थिंग रेजिस्टेंस आउटडोर सब स्टेशन के लिए 0.5 ओम से 1 ओम के बीच होना चाहिए। 132 kV के सब स्टेशन के लिए 10 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है, है ना। 132 kV का अगर सब स्टेशन हमें बनाना है तो 10 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए उसके लिए। अर्थिंग को बिल्डिंग से, अर्थिंग हमारी होती है बिल्डिंग से 1.5 मीटर हॉरिजेंटली दूरी पर किया जाता है, एकदम बिल्डिंग में चिपका के नहीं किया जाता है, या फिर ऐसा नहीं कि 10 मीटर दूर कर दिए, अप्रॉक्स 1.5 मीटर की दूरी पर ही किया जाता है। लाइटिंग एरिस्टर को सब स्टेशन पर सीरीज कम्बिनेशन में फीडर के साथ जोड़ा जाता है। जो लाइटिंग एरिस्टर है हमारा वो फीडर में
उसमें हमें सीरीज में जोड़ा जाता है ना, फीडर पे सीरीज में जोड़ा जाता है। लाइटिंग और वोल्टेज से सब स्टेशन या स्विच यार्ड को प्रोटेक्ट किया जाता है, है ना। लाइट और वोल्टेज से सब स्टेशन या स्विच यार्ड को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब देख सेक्शन 45 देखिए, इसमें क्या रिफ़र करता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी में। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में रिफ़र करता है कि पेनल्टी फॉर इंटरफेरेंस विथ मीटर, जैसे कि अब मीटर में छेड़छाड़ कोई कर दी कि नहीं भाई मीटर में छेड़छाड़ कर दी, अब हमारा मीटर कम चलेगा, हम यूज ज़्यादा करेंगे, बिल कम देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप धारा 44 इस पर आपको लग सकती है ना। धारा 39 के थ्रू यहाँ पे देखिएगा, एकदम अपनी लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पे, व्हाट्सअप लैंग्वेज हम लोग, कटिया ओवरलोड। जैसे कि आप कटिया लगा के लाइट चोरी कर रहे हैं, लाइट चोरी करके जला रहे हैं, सरकार को पता चल गया तो आप पे धारा 44 यहाँ पे लगेगी। और जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल अप्लाई नहीं है हमारे इंडिया में। फ्लोरेसेंट लैंप की हमारी जो है कि लाइफ कितनी होती है, फ्लोरेसेंट लैंप की हमारी लाइफ होती है 7500 घंटे। 7500 घंटे मीन्स 7500 घंटे फ्लोरेसेंट लैंप की लाइफ होती है। हैलोजन लैंप इज़ यूज्ड ऑन एयरपोर्ट एंड रेलवे रनवे। जो हैलोजन लैंप हमारे होते हैं वो हमारे एयरपोर्ट पे यूज होते हैं और रेलवे रनवे पे यूज होते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन अर्थिंग प्लेट, जो हमारी आयरन अर्थिंग प्लेट है, गैल्वेनाइज आयरन अर्थिंग प्लेट है ना, तो 60x60x6 सेंटीमीटर होती है। जो 13 मीटर का हमारा स्टील पुल होता है उस पर 33 वोल्टेज तक के हम लोग ट्रांसमिशन लाइन ले जाते हैं। स्पैन और दो वुडन पोल के बीच की जो स्पैन होती है वो हमारी 60 मीटर होती है। और देखिए हमारी इंटरनल वायरिंग कौन कौन से, उसके क्या क्या टाइप होते हैं, हमारी क्लीट वायरिंग जैसे होगी, कैसिंग एंड कैपिंग वायरिंग, बैटन वायरिंग, लेड सीटेड वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, ये सारी हमारी इंटरनल वायरिंग है। अब देखिए अब यहाँ पे बात आती है, फिर से यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे DPIC का फुल फॉर्म दिया गया है। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा DPIC का फुल फॉर्म, डबल पोल आयरन क्लैड है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, डबल पोल आयरन क्लैड DPIC का फुल फॉर्म दिया गया है। अब इसकी वोल्टेज रेंज कितनी, 250 वोल्ट है ना, कितना एम्पियर लेता है, 5, 10, 15, 40 एम्पियर तक लेता है सिंगल फेज। TPIC का फुल फॉर्म, अभी आपको बात आती है कि TPIC का फुल फॉर्म क्या है, तो TPIC का फुल फॉर्म है ट्रिपल पोल आयरन क्लैड, रेंज है 500 वोल्ट, करंट रेटिंग 40, 60, 100, 200 एम्पियर में, ठीक है ना। TPN का है ट्रिपल पोल न्यूट्रल मेन स्विच, करंट रेटिंग है इसकी 500 वोल्ट है ना, इसकी सॉरी वोल्टेज रेटिंग है 500 वोल्ट, यहाँ पे करंट लिख गया है बाई मिस्टेक, करंट रेटिंग इसकी 20, 30, 40, 100, 200, 400 तक एम्पियर में है ना। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यह हमारा एक सर्किट ब्रेकर है, ये 2 पोल 3 पोल 4 पोल के लिए अवेलेबल होता है। इसका रेट होता है अप्रॉक्स 425 रुपये, 6 से 32 एम्पियर तक यूज़ किया जाता है। अब देखिए जो हमारी NCB होती है उनकी नॉब्स जो हैं दो डिफरेंट डिफरेंट कलर की आपको देखने को मिलती हैं, तो हम बात करेंगे किस कलर के नॉब का क्या मतलब है। जैसे ग्रीन नॉब है हमारी MCB में, तो हमारी लाइट फैन सर्किट के लिए लगी हुई है NCB। अगर उसकी नॉब ब्लू है तो मोटर प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई है, अगर उसकी नॉब ब्लैक है तो DC सप्लाई के लिए, अगर रेड नॉब की NCB है तो आइसोलेटर के लिए है एट नो लोड है ना, एट नो लोड। अब बात करते हैं MCB, MCB होता क्या है, इट इज़ एन ऑटोमेटिक डिवाइस दैट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट इज इमीडिएटली डिसकनेक्टेड द सर्किट फ्रॉम द सप्लाई। MCB हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, यह जो कि जैसे हमारी लाइन ओवरलोड हुई या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, जैसे किसी को करंट लग गया या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई वायर टच हो गया, तो ऑटोमेटिक सप्लाई को कट कर देती है। एंड द इंटायर सर्किट इज प्रोटेक्टेड, और जो हमारी सर्किट होती है वो जलने से बच जाती है। जो इसके पार्ट होते हैं और रिपेयरेबल नहीं होते हैं, MCB अगर एक बार ख़राब हुई तो दोबारा बनती नहीं है, उसे बदल के नया ही लगाना पड़ता है। देखिए ओवरहेड लाइन सिंगल पोल की लेंथ है ना, ओवरहेड लाइन में सिंगल पोल की लेंथ कितनी होती है, 10 से 11 मीटर होती है, वोल्टेज 22 kV तक लेता है। अब यहाँ पे हम कुछ पोल्स की बात कर लेंगे, जैसे वुडन पोल है 10 से 14 मीटर होता है, इसका सेफ्टी फैक्टर 2 से 5 तक होता है। ए टाइप पोल जो है हमारा 12.75 मीटर का होता है, इसका स्पैन जो है 80 मीटर होता है, वोल्टेज 22 kV तक लेता है। अगर हम बात करें स्पैन की, तो स्पैन हमारा क्या होता है, स्पैन हमारा होता है एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी,
हो जाता है हमारा स्पैन। इस टाइप का जो पोल है उसकी लेंथ है 13.65 मीटर, वोल्टेज 132 केवी तक लेता है और उसका स्पैन 150 मीटर होता है। स्टील पोल का जो वोल्टेज है वो 66 केवी तक उसका वोल्टेज उस पर ट्रांसमिट किया जा सकता है ओवर हेड लाइन पर और इसका स्पैन 200 मीटर होता है। स्टील ट्यूबुलर पोल लेंथ, जो स्टील ट्यूबुलर पोल होता है हमारी, उसकी लेंथ होती है 8.5 मीटर से 12 मीटर तक, 11 केवी तक यूज़ किया जाता है और इसकी लाइफ टाइम 50 साल की होती है। रेल पुल जो हमारा 11 से 13 मीटर का होता है, वोल्टेज 33 केवी का होता है, इसका स्पैन 30 मीटर होता है। स्टील लैटिक पुल वोल्टेज हमारा 66 केवी तक लेता है। आरसीसी पुल 8 से 11 मीटर तक होता है, जैसे गांव वगैरह में ज़्यादातर ये चीज़ देखने को हमको मिलती है आरसीसी पुल, और उसका वोल्टेज 11 केवी तक रहता है, 33 केवी तक भी इस पर ट्रांसमिट हम लोग कर सकते हैं। स्टील टावर वोल्टेज 66 केवी से स्टील टावर टावर्स हमारे शुरू हो जाते हैं, स्पैन इनका 200 मीटर रहता है। अब बात करते हैं क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म जो हमारे खंभे पे लगे रहते हैं, जैसे कि हमारा आरसीसी पोल होता है उसमें एक आपको आर्म दिखती होगी, है ना, दो डंडे निकले रहते हैं वी शेप में या सीधे, जिसमें से तार बंधा होता है, ऊपर इंसुलेटर लगा होता है, तो ये वुडन से बने होते हैं, स्टील चैनल के होते हैं, स्टील एंगल के होते हैं ज़्यादातर, तो स्टील के यूज किया जाता है। एंगल बिटवीन स्टे वायर एंड पोल, जो हमारा पोल होता है उसमें एक स्टे वायर लगा होता है हमारा मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, तो उस पोल और हमारे एंगल के सॉरी पोल और स्टे के बीच का जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक फिर से कुछ फुल फॉर्म दिए हुए हैं, तो फुल फॉर्म डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे हमारा फुल फॉर्म पहला दिया है TPMO, तो TPMO का हमारा फुल फॉर्म यहाँ है ट्रिपल पोल मैन्युअली ऑपरेटेड स्विच। ठीक है, ट्रिपल पोल मैन्युअली ऑपरेटेड स्विच, तो हमसे फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। अब दूसरा हमारा दिया DPIC, डबल पोल आइलैंड क्लैड स्विच, RCC रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, PCC प्री रेनफोर्स सीमेंट, TPNIC थ्री फेज न्यूट्रन आयरन क्लैंड स्विच, है ना, और फिर इसके बाद है ACC का फुल फॉर्म ACC ECC का फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर। फिर ट्रिपल ए जो है आंट एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर है। यहाँ पे देखिए रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 43 और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 44 दिया गया है, तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 43 में सुरक्षा है ना, इसमें कहते हैं सुरक्षा उपकरण से रिलेटेड है, लाइक फ्यूज MCB अर्थिंग, जो ये चीज़ें हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए लगाते हैं, तो इनसे जो रिलेटेड है ये किस रूल के अंतर्गत आते हैं, रूल नंबर 43 है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है। रूल नंबर 44 के अंतर्गत क्या आता है, इलेक्ट्रिक शॉक से पीड़ित पर्सन के उपचार है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक किसी व्यक्ति को लग जाए तो उसका उपचार होगा, तो रूल नंबर 44 के अंदर आएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखे व्हाट इज द सेफ्टी फैक्टर यूज फॉर करंट रेटिंग इन पावर इंस्टॉलेशन, पावर इंस्टॉलेशन के लिए टाइम पे सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, तो होता है 2, आंसर इनके 2 लिखा है, सेफ्टी फैक्टर 2 होता है। विथ सेट ऑफ रूल टू बी वेरीफाइड एज कम्प्लीटेशन ऑफ वायरिंग ऑन एनी न्यू, जब कोई हमारा न्यू इंस्टॉलेशन होता है, कंप्लीट होती है कोई वायरिंग, तो उस वो हमारी किस रूल के अंतर्गत आती है, वो हमारी अंतर्गत आती है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के अंतर्गत। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अर्थिंग रेजिस्टेंस फॉर लार्ज पावर स्टेशन, लार्ज पावर स्टेशन के लिए ना अर्थिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 ओम। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कौन सी अर्थिंग यूज की जाती है, तो वहाँ पे स्ट्रिप अर्थिंग यूज की जाती है ना। और यहाँ पे पूछा गया है कि फायर अर्थिंग को और क्या कहते हैं, तो फायर अर्थिंग को रॉड अर्थिंग कहते हैं। कॉन्टीन्यूस बस बार जो होता है हमारा एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। मैक्सिमम स्पैन अप टू विच द वुडन पोल विल रीच, वुडन पोल की जो मैक्सिमम स्पैन वो 60 मीटर होती है। स्टील रेल पोल की हाइट 13 मीटर होती है, ये 33 केवी के लिए यूज किया जाता है। आपको इसमें कई क्वेश्चन रिपीट मिल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अगर दोबारा देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। सिंगल पोल में सप्लाई 230 वोल्ट होती है, 220 भी होती है, लेकिन हम लोग 230 ही लगाएंगे, अगर हमको ऑप्शन में 230 मिलेगा तो। मेंटेनेंस रिडक्शन में इलेक्ट्रिक लोड में एक बस बार से दूसरे बस बार
कपलर के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है ना। देखो इसमें यही चीज़ बताया गया कि मेंटेनेंस ड्यूरेशन में जो इलेक्ट्रिक लोड है एक बस बार से दूसरे बस बार में, बस बार कपलर के थ्रू किया जाता है। मैक्सिमम डिस्क इंसुलेटर फॉल्ट नियर कंडक्टर है ना, जो कंडक्टर में ज़्यादा फॉल्ट होता है डिस्क इंसुलेटर के पास में ही हो जाता है। फिर फिलामेंट जो होता है बल्ब का, जो बल्ब का फिलामेंट हमारा होता है वो टंगस्टन का बना होता है। जो हमारे बल्ब होते हैं जो हम लोग घर में लाइट के लिए लगाते हैं, येल्लो बल्ब जैसे पहले आते थे, उनका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3000 डिग्री सेल्सियस है ना। फिर आगे हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इंडक्शन मोटर पावर फैक्टर। जो इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर है वो 0.8 लैगिंग होता है लोड कंडीशन पे और 0.2 से 0.3 लैगिंग तक होता है एट लो लोड कंडीशन पे। 1 ओम का रेजिस्टेंस यूज करते हैं आउटडोर सब स्टेशन में 0.5 से 1 ओम तक है ना। वर्टिकल रूफ क्लियरेंस, देखो जो वर्टिकल रूफ क्लियरेंस होती है हमारी कंडक्टर की, जैसे कोई लाइन निकली हुई तो उसकी 2.439 मीटर होनी चाहिए अप्रॉक्स, इतनी दूरी पे होना चाहिए। जो हॉरिजेंटली हमारी रूफ से क्लियरेंस किसी भी जो लाइन इलेक्ट्रिसिटी लाइन निकली है उसका 1.219 मीटर अप्रॉक्स होना चाहिए, मतलब 4 फिट। और जो हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 35 है वो हमारे प्रिकॉशन नोटिस को रिफ़र करता है। वोल्टेज वेरिएशन जो है हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54 के थ्रू आता है। लो वोल्टेज 0 to 250 वोल्ट होता है, वेरिएशन 0 ± 6% का होता है। मीडियम वोल्टेज जो है हमारा 250 वोल्ट से 650 वोल्ट में होता है, वेरिएशन ±6 वोल्ट का होता है। हाई वोल्टेज अबव 650 वोल्ट, हाई वोल्टेज हमारा 650 वोल्ट से ज़्यादा होता है, इसमें वेरिएशन 12% का होता है। जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ता है उसमें वेरिएशन भी बढ़ता चला जाता है। जो फ्रीक्वेंसी हमारी है वो 50% है, प्लस माइनस उसमें 3% का वेरिएशन होता है ना। और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 55 के अंतर्गत आती है। फिर अगर हम अब आगे बात करें, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का उपयोग स्लिंग रिंग मोटर के लिए किया जाता है। जो स्लिप रिंग मोटर है उसे स्टार्ट करने के लिए रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। जो पावर इंस्टॉलेशन होती है हमारी उसमें सेफ्टी फैक्टर कितना होता है करंट रेटिंग का, वो 2 होता है हमारा। और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी 1956, ये हम लोग क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। BEE का फुल फॉर्म क्या होता है? जो हमारी स्टार रेटिंग, जैसे हमारी कोई फ्रिज बनी कंपनी मैनुफैक्चर हुई, गोदरेज ने बनाया, LG ने बनाया, हायर ने बनाया, किसी भी कंपनी ने बनाया, उन्होंने कहा कि 3 स्टार रेटिंग की फ्रिज है, तो ऐसे मार्केट में नहीं आती है। उससे पहले BEE जो है वो चेक करती है कि स्टार रेटिंग से नहीं, वो 3 लगाया तो इतना ही करंट खा रही है, ऐसा तो नहीं कि स्टार रेटिंग 3 लगा दी करंट बहुत खाती जा रही है हमारा, अब बिल बढ़ता जाएगा तो फिर कंज्यूमर का, ऐसा तो नहीं कि 2 रेटिंग कितना करंट खा रही है। तो अगर 3 के बनाए हैं तो 3 के कितना ही करंट खा रही है, 3 स्टार में जितना खाना चाहिए। तो एक रूल होता है कि इतना अगर करंट खाएगी तभी BEE आपको पास करेगी कि हाँ भाई आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करें। तो BEE के फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। और जो जंक्शन बॉक्स हमारा लगता है वायरिंग के टाइम पर, जंक्शन बॉक्स हमारा यूज़ होता है वायरिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब हम कुछ चार्जेस की बात करेंगे जो हमारे इलेक्ट्रिकल में लगाए जाते हैं। लेबर चार्ज पर डे, लेबर चार्ज जो हमारा पर डे, इंजीनियर भी एक लेबर के जैसे ही होता है, उसका चार्ज होता है 700 रुपये से 1000 रुपये पर डे। सुपरवाइजर जो होता है उसका 600 रुपये से 800 रुपये होता है। स्किल्ड लेबर, जो लेबर डेली ऐसे काम करते रहते हैं, नॉर्मल लेबर जो होते हैं उनका 300 रुपये होता है। कारपेंटर ग्रेड फर्स्ट, जो कारपेंटर ग्रेड फर्स्ट का होता है उसका 500 से 600 रुपये चार्ज होता है एक दिन का। और जो सेकंड ग्रेड का कारपेंटर उसका 300 से 400। और जो राजगीर मिस्त्री हमारा होता है उसका 500 रुपये चार्ज होता है एक दिन का। जैसे हम कोई चीज़ परचेजिंग कर रहे हैं रूल्स, तो उसके लिए देखिए कुछ हमारे स्टेप देंगे। जैसे आप रिक्वेस्टेशन फॉर्म भरेंगे, फिर कॉलिंग ऑफ रेट होगा, फिर टेंडर फॉर्म, फिर कंपेरेटिव स्टेटमेंट, फिर परचेजिंग फॉर्म, फिर इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, फिर रिलीज पेमेंट होगा। अब ऐसा नहीं कि आपने रिक्वेस्ट फॉर्म भरा, आपको सामान मिला, आपने पेमेंट कर दिया, जब तक उसका इंस्पेक्शन नहीं हो जाएगा कि जो हमने कहा था सही है कैसे है, तो भी आप पेमेंट करेंगे उसका। अब ओवरहेड चार्ज देखिए हमारा क्या होता है। जैसे कि हमारा कोई टेंडर है चल रहा है, हमारा कोई चीज़ बन रहा है वहाँ पे, तो जो बिजली का खर्चा, पानी का होगा, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं खा पी रहे हैं, जो उसका खर्चा होगा वो ओवरहेड चार्ज में आएगा।
अब सुपरविजन चार्ट में क्या होता है, जब हमारा कोई प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है, जो भी हमारा काम चल रहा है वो हो जाता है, तो जो उसको चेक करने के लिए बड़े बड़े अधिकारी आते हैं उसका इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उन लोगों पे जो खर्च होता है चाहे नाश्ते का और जो भी अदर खर्च, उनकी व्यवस्था करने का, तो वो हमारा हो जाता है सुपरविजन चार्ज, है ना। अब बात करते हैं DOL, ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर आर आल्सो नोन एज स्टार्ट एंड स्टॉप पुश बटन स्टार्टर, जो हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट है, इसे हम जो कि पुश और पुल बटन स्टार्टर भी कहते हैं। ये ओवरलोड रिले प्रोटेक्शन विद द हेल्प ऑफ रिले, ये ओवरलोड रिले प्रोटेक्शन केबिलिटी यूज़ किया जाता है। और डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर देखिए हमने स्टार्टिंग में बताया था कहाँ यूज होता है, 1 से 5 हॉर्सपावर की मोटर के लिए, है ना। 1 से 5 हॉर्सपावर की मोटर अगर स्टार्ट करना है उसके लिए स्टार्टर की जरूरत है, तो हम उसमें यही यूज करेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अब देखिए हमारे पास ये PDF जो कि ओवर हो गया, इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन और हैं हमारे पास, तो वो हम आपको बता रहे हैं, तो आप लोग उसको सुनना है और सुन के नोट करना है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का हम PDF नहीं बना पाए हैं, क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, आप थोड़ा वेट करें, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप बिना स्किप किए पूरी देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है एग्ज़ाम में। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम लोग इसमें भी पहले कर चुके हैं कि जो सॉकेट है हमारा, जो पावर सब सर्किट में हम कितने सॉकेट का, कितने पॉइंट का लोड, पावर सॉकेट है ना, तो पावर में हम लोग 2 सॉकेट का खाली लोड दे सकते हैं, 2 पॉइंट का पावर सॉकेट में। अब इसके बाद जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक हमारा ऐसा कौन सा टर्म है, ऐसा कौन सा हमारा टर्म है, तो हमारा रेशियो डिफाइन करता है मिनिमम एक्चुअल लोड और इंस्टॉल्ड लोड के बीच में कौन सा टर्म रेशियो डिफाइन करता है, तो हमारा होता है डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक है, वो होता है हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, हम आपको बता रहे हैं लाइट एंड फैन सर्किट के, है ना, कितने पॉइंट्स हम लोग होना चाहिए एक सर्किट में, ना लाइट एंड फैन सर्किट वाले 10 पॉइंट होना चाहिए, 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद अब पावर सर्किट